हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। सो गाइस, व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गारचोंक के बारे में। इस वीडियो में गाइस हम बताएंगे कि गारचोंक कैसे इवॉल्व होता है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी गाइस, और क्या उसके बेस्ट मूव सेट रहेंगे, ये सब कुछ इसी वीडियो में बताया। वीडियो में गाइस आपको एक काम और करना पड़ेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो गाइस, ऐसे अपडेट हमेशा लेने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर देना गाइस, हल्के मत लेना ये बात। और जिन लोगों ने नहीं किया गाइस, कम ऑन यार, कर दो यार। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाइस, गारचोंक इवॉल्व होता है गिब्बल, गैबिट और गारचोंक गाइस। तो जो गिब्बल है गाइस, वो बहुत ही मतलब रेयर पोकेमोन में से एक पोकेमोन है गाइस, कह सकते हैं गाइस अल्ट्रा रेयर पोकेमोन है। बट मुझे गिब्बल बहुत बार मिले हैं और बड़े इजीली मिले हैं गाइस, आपको भी मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे वो सुन लो गाइस। सबसे बढ़िया तरीका गाइस ये है कि आपके सराउंडिंग में जितने भी पॉकी स्टॉप्स हैं गाइस, जितने भी पॉकी स्टॉप्स हैं, उन सबको स्पिन करने का है, डेली बेसिस पे करना है। जब आप पॉकी स्टॉप स्पिन करेंगे तो वहाँ पर आपको एक रिसर्च मिलेगी, एक रिसर्च नहीं, एक फील्ड रिसर्च मिलेगी। जिस फील्ड रिसर्च से, फील्ड रिसर्च क्या होती है गाइस, सबसे पहले गाइस फील्ड रिसर्च ये होती है, यहाँ पर जो फील्ड है इसमें जो रिसर्च आएगी इसको फील्ड रिसर्च कहते हैं। यहाँ पर एक रिसर्च मिलेगी जिसका नाम होगा मेक 3 एक्सेलेंट थ्रो इन अ रो। जब तक वो रिसर्च ना मिल जाएगा इस, तब तक आपको क्या करना है, रिसर्च लेनी है, डिलीट करनी है, लेनी है, डिलीट करनी है, क्योंकि उस रिसर्च से आपको मिलेगा गिब्बल, वो भी काफ़ी अच्छी आईवी का मिल सकता है गाइस। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका गाइस गिब्बल पकड़ने का ये है कि गाइस आपको करना है 10 किलोमीटर हैच इन अ रेगुलर वे। मतलब ये समझ लो गाइस, आपको डेली कम से कम 2-10 किलोमीटर के अंडे फोड़ने फाड़ने हैं। अभी सीन ऐसा है कि 10 किलोमीटर के अंडे के पोकेमॉन चेंज होते रहते हैं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है गाइस, बट आपको हैच करना है, क्योंकि 10 किलोमीटर अंडों से जो भी मिलेगा शानदार मिलेगा। सो गाइस, इस तरीके से आप गिब्बल ले सकते हैं। बाकी बहुत सारे ऑप्शन हैं, वाइल्ड में भी गिब्बल मिलता है, बट वो सारे इवेंट बेस पे होते हैं। अगर आपको इवेंट के बारे में नॉलेज लेनी है पूरी की पूरी गाइस, तो आपको दबाना पड़ेगा बेल आइकन अभी गाइस, बेल आइकन दबाओ, सारी नोटिफिकेशन ऑन कर दो, कब गिब्बल आने वाला है सब कुछ चल जाएगा पता आप लोगों को। तो अब बात करते हैं गाइस हम लोग कैसे इसको इवॉल्व करें गारचोंक पे। सो गाइस, गारचोंक में इवॉल्व करने के लिए हमें 124 कैंडीज चाहिए। एक गिब्बल गाइस 5 किलोमीटर पे एक कैंडी देता है। तो 124 कैंडीज के लिए सबसे पहले तो जो मैंने आपको मेथड बताया वो पूरे करने हैं, क्योंकि वहाँ से भी आप गिब्बल कैंडीज गेन कर सकते हैं। उसके बाद गाइस जो मेथड है गाइस, वो आपके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेथड है, उसका नाम है ऑटो वॉक टेक्निक। वो टेक्निक गाइस सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र के लिए है, और अगर आप कोई स्पूफिंग टेक्निक यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो टेक्निक की वीडियो आप पूरी देख लेते हो, बट उस वीडियो को ध्यान नहीं देते कि उस वीडियो में स्पेशली साफ साफ वर्ड्स में बोला गया है कि वो टेक्निक सिर्फ और सिर्फ जीमेल यूज़र्स के लिए है गाइस। पहली बात, वो टेक्निक एंड्रॉयड में चलेगी। दूसरी बात, वो सिर्फ और सिर्फ जीमेल यूज़र्स के लिए टेक्निक है। सो आप लोग वो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नाम है उसका ऑटो वॉक करके, गो एंड चेक इट आउट। अब बात करते हैं गाइस गारचोंक के बारे में। गारचोंक जो पोकेमॉन है गाइस, वो बेस्ट है मास्टर लीग में, फिर चाहे वो कोई भी लीग हो गाइस। मास्टर लीग में मतलब कोई भी, जैसे कि मास्टर प्रीमियर कप हो गया, मास्टर क्लासिक हो गया, या फिर सिर्फ मास्टर लीग हो गया, तो इन सब में गाइस गारचोंक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। इस पोकेमॉन की गाइस जो मूव सेट है गाइस, वो इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अभी आपको पता है इसका कम्युनिटी डे आने वाला है, जो भी लोग वीडियो आज की डेट पे देख रहे हैं उन लोगों को बोल दूंगा गाइस मैं, इसका कम्युनिटी डे आने वाला है 6 जून को गाइस, ठीक है 2021। और उसके बारे में जानना है तो मैं आई बटन पर लगा दूंगा वीडियो, तो वो चेक कर लेना क्या क्या इसके बैन क्या क्या मिलने वाला है, वहाँ पर सब कुछ चल जाएगा पता। तो गाइस मास्टर लीग में जैसे कि आपके सामने आ गया ड्रैगनाइट, ड्रैगनाइट इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है गाइस, तो ड्रैगनाइट से हमें बचना पड़ेगा। वैसे गाइस गिराटिना हो गया, डेलगा हो गया, मेल मेटल हो गया, रिपीरियर हो गया, मेटाग्रोस हो गया गाइस, इन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वर्ल्ड टाइप पोकेमोन से बचना पड़ेगा, क्योगर हो गया, ग्राउडोन हो गया गाइस, म्यूटू हो गया गाइस, गिराटिना अल्टर्ड फॉर्म अगर आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, और यवल्टल भी दिक्कत करेगा गाइस, क्योंकि यवल्टल अब एक शानदार पोकेमोन बन चुका है। सो गाइज, इन पोकेमोन से बचना और इनको पेलना भी है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बेस्ट मूव सेट क्या होंगे। आप ऐसे काफ़ी लोगों को पता भी होगा बेस्ट मूव सेट क्या है, मैं इसकी दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। पहले पार्ट में जो मैंने बेस्ट मूव सेट बताए थे गाइज, वो डिफरेंट थे, अभी डिफरेंट हो गए। सो गाइज,
तो इसलिए अब मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। मड शॉट, आउटरेच एंड अर्थ पावर। अर्थ पावर इज़ ए लेगेसी मूव गाइस। तो गार चोंग का पहली बार कम्युनिटी डे बनाया जा रहा है, तो उसका जो लेगेसी मूव है गाइस वो है अर्थ पावर। अर्थ पावर हाई एनर्जी डिबफ करेगा गाइस, जो कि बहुत ही शानदार रहेगा। अब बात करते हैं कि क्या अर्थ पावर लेना सही है या सैंटोम सही है। तो अर्थ पावर वर्सेस सैंटोम की अगर बात की जाए गाइस, तो सैंटोम इज़ बेटर। सैंटोम बहुत ज़्यादा बढ़िया अटैक है गाइस, बट सीन ऐसा है कि सैंटोम आप एक मतलब स्मार्ट वे में यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट वे मतलब ऐसा हो गया कि सामने अगर आपके सामने कोई ऐसा ड्रैगन टाइप पोकेमोन है, तो वहाँ पर आप सैंटोम करके गाइस उस पर आउटरेज मारोगे तो वो वन शॉट हो जाएगा, ठीक है। या फिर सैंटोम करके अगर आउटरेज किसी पे भी मारोगे तो उस पर ज़्यादा उसका इफेक्ट रहेगा। बट अभी आ चुका है अर्थ पावर। सो अर्थ पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़िया इफेक्ट करेगा। मास्टर लीग में गाइस हम लोग अर्थ पावर यूज़ करेंगे। अगर आप ग्रेट लीग में गार्चोम्प यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप सैंटोम ही यूज़ करना गाइस, क्योंकि वहाँ के लिए सैंटोम इनफ है। तो भाई अर्थ पावर इतना अच्छा अटैक क्यों है गाइस? बिकॉज ऑफ मड शॉट। तो यहाँ जो सबसे बेस्ट अटैक है गाइस, जो आपका फास्ट अटैक होगा वो होगा मड शॉट। उसके बाद आपको रखना है आउटरेज, और फिर रखना है गाइस आपको अर्थ पावर। तो ये इसके हो गए बेस्ट मूव सेट। और आपको गाइस अब चल गया होगा पता क्या करना है क्या नहीं करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।